चर्चा चल रही है। विनय संपन्नता की, विनय संपन्नता यानी विनय मोक्ष मार्ग में भी आवश्यक है तो संसार मार्ग में भी आवश्यक है। विनय जीवन के हर क्षण में आवश्यक है। अगर जीवन में विनय है तो घर हमारा सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण रहेगा। अगर घर में विनय नहीं है, भले हम धन दौलत से परिपूर्ण रहेंगे मगर घर में शांति नहीं रहेगी, कलह का वातावरण बना रहेगा, एक दूसरे का अभिनय करने में अच्छा लगेगा मगर उसका दुष्परिणाम जब हमारे जीवन में प्राप्त होगा तब हम नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसे हुआ। जब कोई पूज मुनिराज के सन्निकट जब आप जाएंगे, जब वो अपने अवधि ज्ञान अनिमित्त ज्ञान के माध्यम से आपका वह रहस्य खोलेंगे तब आप वेदना से भर जाएंगे और तुम्हें वो याद आएगा कि वाकई में यह बिल्कुल नंगा सत्य है कि हमने यह दुष्कर किया था, दुष्काम किया था जिसका प्रतिफल हमारे जीवन में हमें मिल रहा है। क्योंकि हम पुण्य के उदय में सारे गंदे काम करते हैं, क्योंकि पुण्य के उदय में किए हुए कार्यों में सफलता मिलती है। चाहे वो गंदा से गंदा कार्य क्यों ना हो, पुण्य के उदय में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। बहुत विरले लोग होते हैं कि पुण्य के उदय में कोई अच्छा कार्य करते हैं, स्वस्थ हैं तो हम कुछ त्याग और तपस्या की साधना करके अपने जीवन को और स्वस्थ बनाने का प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। स्वस्थ हैं तो हम अय्यास होने का प्रयास करते हैं, हम पाप में जाने का प्रयास करते हैं। कौन क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूं, क्या कर लेगा कोई मुझे, मैं तो इतने दिनों से होटलों में जाकर के खा रहा हूं, क्या हुआ, ना मुझे पथरी हुई, ना मुझे अल्सर हुआ, ना मुझे लीवर खराब हुआ, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, ना शुगर बढ़ी, कुछ भी तो नहीं बढ़ा। इस साधुओं के दिमाग खराब है, इन साधुओं को पता नहीं, जब देखो जब ये मत करना, वो नहीं करना, ये नहीं लगाना, वो नहीं करना, पता नहीं इनके पिताजी का क्या जाता है। हम लगाते हैं, हम अपने पति से पैसे लेते हैं, हम अपने पिता से पैसे लेते हैं, इनको क्यों तकलीफ होती है, आता है मन में, आता है, क्योंकि तुम सब जमींदार हो और मैं चौकीदार हूं। मैं चौकीदार हूं क्योंकि मैं चौकी के ऊपर बैठा हूं, इसलिए मैं चौकीदार हूं। तुम जमींदार हो क्योंकि तुम जमीन के ऊपर बैठे हो, तुम जमींदार। चौकीदार जमींदार की रक्षा करता है। चौकीदार क्यों बिठाया जाता है, हमें भगवान महावीर स्वामी ने क्यों अपना एजेंट बनाया, हम भगवान महावीर स्वामी के हम लोग एजेंट हैं। और महावीर स्वामी ने कहा कि अपना माल दिखाना मगर जबरदस्ती मत करना किसी से माल खरीदने की, जिसकी गरज हो वो तीन बार नाक रगड़ता हुआ आएगा तुम्हारे पास मगर एक बार विज्ञापन जरूर करना, एक बार दिखाना, एक बार बताना, एक बार सुनाना कि तुम ये जो अभी तक कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये मैं जानता हूं, मानता हूं और देख रहा हूं। सारी दुनिया देख रही है, तुम्हारा मोहल्ला परिवार देख रहा है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई माई का लाल ये गारंटी ले सकता है कि कल किसी का कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, कल किसी को शुगर नहीं होगी,
कल किसी को कैंसर नहीं होगा, कल कोई नहीं मरेगा, कल किसी को हार्ट अटैक नहीं होगा, कल किसी को पथरी नहीं होगी, पथरी का दर्द नहीं उठेगा, कल किसी को लीवर में तकलीफ नहीं होगी, एक्स वाई जेड जितनी बीमारियां होती हैं, क्या कोई माई का लाल है इस छिपी टोला में, इस आगरा में, इस भारत में, इस सारे विश्व में? कोई माई का लाल अगर ये चुनौती दे दे कि कल किसी को ये चीज नहीं होगी, मैं उसके जाकर के पैर छूने की ताकत रखता हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बंधु, अगर कोई ये चुनौती दे दे कि पूरे आगरा के अंदर कल ये किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं उसके पैर छू लूंगा, सारी हॉस्पिटल में चेक कराऊंगा, एक एक हॉस्पिटल के अंदर एक एक चौकीदार बिठाऊंगा और उनके रजिस्टर चेक करूंगा, आज कौन सा मरीज 12 बजे रात के बाद आया है। क्या ऐसा संभव है कि कोई मरीज नहीं पहुंचेगा? क्या यह विश्वास तुम्हें है? इतना अहंकार है तुम्हें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बंधु माताओं, आप हां या ना में उत्तर दें, हां या ना में उत्तर दें। अरे मैं तो इतना भी विश्वास नहीं करता कि जो सांस भीतर गई है वो बाहर निकल पाएगी कि नहीं, कि वही राम नाम सिद्ध कर देगी। फिर तो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं बंधु, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी चुनौती दे रहा हूं। 12 घंटे 24 घंटे की बात कर रहा हूं, यहां 24 सेकंड की बात नहीं कही जा सकती। एक सेकंड के भी लाख गुने भाग कर दो, इतनी देर लगती है। क्या हुआ था सनत कुमार चक्रवर्ती को? सारे देवता देख करके आश्चर्यचकित थे। अब स्नान करके जब पहुंचा, तैयार होकर के जब पहुंचा और अपनी आयुधशाला से व्यायामशाला से नहा धो करके जब सिंहासन पर बैठा तो कीड़े पड़ गए, कोढ़ हो गया। क्या है, जीवन एक पानी का बुलबुला है, जीवन एक कांच का बर्तन है, कब फूट जाए और कब टूट जाए बंधुओं कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए वक्त रहते हुए, समय रहते हुए अपने आप को संभाल लो। कि बहुत सारे जमींदार लोग हैं, बहुत सारे जमींदार हैं बेचारे, कहीं गर्त में न चले जाए, कहीं कोई बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, कहीं किसी पाप में ना उलझ जाए, कहीं पंचदियों की लोलुपता में अपना जीवन विनाश ना कर दें, कहीं अय्यासी में, कहीं इतनी अय्यासी में ना उतर जाए कि धर्म भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, आहार दान भी कोई मायने नहीं रखता, हम ये यासी, हम ये यास करेंगे। महाराज जी आपका क्या जाता है, हम मरेंगे ना, तुम्हारा क्या जा रहा, हमारा ये जाएगा कि हमारे जैन समाज की एक संख्या कम हो जाएगी, हमारी समाज का एक आदमी मर जाएगा, और मरेगा अपनी आयु पूर्ण करके नहीं, अधूरे में मर जाएगा, कैंसर से सड़ जाएगा, किडनी से बिगड़ जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, तो दर्द नहीं होगा? भले तुम मुझे अपना नहीं मानते मगर मैं तो तुम्हें अपना मानता हूं। एक शब्द भी अगर कोई मेरा सुन लेता है तो मैं उसे अपना मानना शुरू कर देता हूं कि ये मेरा है, इसने एक बात तो मेरी सुनी है। 5 मिनट भी अगर वो मेरे कमरे में आ जाता है और मेरे हाथ उठ जाता है तो बस उसे मैं अपना मानने लगता हूं कि ये भी एक जीव है, हे भगवान इस जीव का कल्याण होना चाहिए, इसके जीवन में कभी कोई दुख ना आए, इसके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, क्योंकि ये हमारी समाज का है, हमारा है, प्राणी है और प्राणी मात के प्रति
करुणा भाव, दया भाव, प्रेम और वात्सल्य और अपनत्व भाव रखना ही साधु का कर्तव्य होता है। बस यही वेदना होती है कि पुण्य का उदय है, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। पुण्य के उदय में हम सारे अवगुण करते हैं, पुण्य के उदय में पाप होते हैं, पुण्य के उदय में पाप होते हैं, चोरी होती है, व्यसन होता है, सब कुछ पुण्य के उदय में होता है। पाप के उदय में कुछ नहीं होता बंधु। पाप के उदय में क्या कर पाओगे? चोरी करोगे एक मिनट में पकड़ जाओगे। पाप का उदय है पैसे ही नहीं है क्या शराब पियोगे? पाप का उदय है पैसे ही नहीं है क्या लिपस्टिक लाओगे? पाप का उदय है क्या दारू पियोगे? क्या लाओगे? दो टाइम की रोटी जुटाना भी पसीना छोड़ दोगे। पुण्य के उदय में तो आदमी, मैं आपसे पूछता हूं, पैसे वाला आदमी ज्यादा जल्दी बिगड़ता है या गरीब आदमी ज्यादा बिगड़ता है? अगर गरीब आदमी के मन में भाव आया कि मुझे शराब पीना है, मुझे शराब पीना है, और बड़े आदमी के मन में आया कि मुझे शराब पीना है, सबसे पहले कौन शराब पिएगा? गरीब आदमी या पैसे वाला? पैसे वाला सीधे 2000 के नोट बंद हो गए, कौन सा निकालूं अब? 500 का? 500 के 4-5 नोट दिए उसने, जा रहे 3 गोल्डन ईगल लेकर के आना, 2 3X लेकर के आना, 3 जिन लेकर के आना, 4 रम लेकर के आना, आज जम के पिएंगे। और गरीब आदमी 200 रुपए कमा के ले गया है, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था क्योंकि रोटी नहीं बनी थी, नौकरी लेबर गिरी नहीं मिली थी, 200 रुपए ले करके जाता है, 1 पाव तेल लेता है, 10-20 रुपए की मसाला लेता है, 10-20 रुपए के आलू प्याज लहसुन लेता है, 1-2 किलो आटा लेता है, बेचारे के 200 रुपए खत्म हो जाते हैं, थोड़ी सब्जी अब्जी लेके चला जाता है। शराब पीने का भाव तो आया था मगर पैसे नहीं है। और अमीर आदमी ने पुण्य के उदय में पैसे दिए, नौकर को दिए, नौकर के साथ दारू पी करके बैठ गया। क्या इज्जत करेगा नौकर? क्या विनय करेगा नौकर तुम्हारी? अरे बोले सेठ, जो तू करता है वही मैं करता हूं, दोनों बराबर हैं। क्योंकि नौकर को भी तो 2-3 घूंट देना पड़ेंगे, जभी तो वो ला करके देगा, जभी तो वो ला करके देगा। पुण्य के उदय में सारे पाप होते हैं। गरीब की महिला सोचे कि मैं लैक्मी की लिपस्टिक लगाऊंगी, 1800 रुपए की आती है, इतनी सी, इतनी आती ना, इतनी सी 1800 रुपए की आती, बा गरीबन, बा बिचारी मजदूरन, वो क्या लिपस्टिक खरीदेगी? 1800 रुपए की लिपस्टिक खरीदेगी मजदूरन? या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, तारे तकबीर अल्लाह अकबर, क्या है? पाप सबसे ज्यादा अमीर करता है, गरीब नहीं करता, गरीब नहीं करता बंधु। गरीब तो सोचता रह जाता है और पुण्य आत्मा तो करके निपटा देता है। अस्पतालों में कैंसर के मरीज गरीब ज्यादा है या अमीर ज्यादा है? बेस्ट कैंसर गरीब महिलाओं को हुआ है कि अमीर महिलाओं को हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आगरा में भी 10-20 मिल जाएंगी जिनको बेस्ट कैंसर हुआ है, जैन समाज में मिल जाएंगी। पूछ लेना अपने अड़ोस पड़ोस से, खूब खुशब कर लेती हूं, ये भी कर लेना एक हमारे तरफ से, और मुझे आके दे देना, मगर तुम्हारे खुशब की मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरी एक आंख और एक कान सारे दुनिया में घूमता है। चैलेंज है, अगर 60,000 की जैन समाज है आगरा में, तो 10-5 मिल ही जाएंगे बेस्ट कैंसर वाले जिनके एक एक स्तन कट चुके हैं। चैलेंज है हमारा,
जब राजस्थान में 2 साल के अंदर 300 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अच्छी संपन्न घराने की थी, सारे चेहरे की चमक दमक खत्म हो गई, सारे अहंकार खत्म हो गए, अब ऐसी नीची मुंडी करके शर्म के मारे लज्जित होकर के आती हैं, और जब भी आती हैं एक बार मेरी नजर देखती उनकी आंखें छल छल आ जाती हैं, मुझे बड़ी करुणा आ जाती है। बेचारी जब कहा था, जब नहीं मानी, क्या महाराज जी 15-15 साल से लगा रहे हैं, ऐसा होता है क्या? आप जबरदस्ती भागते रहते हो, कोई बात नहीं, तेरा पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय है, आज नहीं तो कल। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है, सबको मिलता है बंधु। क्या उन पशुओं की हाय श्वास नहीं होगी? क्या उन जानवरों की हाय श्वास नहीं होगी? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके बेटे की कोई थोड़ी सी उंगली तोड़ दे, उस परिवार के लोग कितनी बद्दुआ देंगे? जो उंगली तोड़ेगा उसके लिए कितनी बद्दुआ देंगे? आप अपने मन में उस बद्दुआ को सोच लेना। तो जिन पशुओं को मारा जाता है, जिन पशुओं को सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों में मिलाया जाता है, क्या वो पशु बद्दुआ नहीं देंगे? क्या वो बद्दुआएं नहीं देंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुर्गी का अंडा जब उसके पास से हटाया जाता है, जब वो से नहीं पाती 21 दिन तक, ऐसी तड़पती है मुर्गी, पोल्ट्री फार्मों में जाकर के देखो, ऐसी घूमती है, अंडे को देखती है, अंडा कहाँ गया, मगर वो ऐसा स्लिप होता है कि अंडा देते ही वो नीचे चला जाता है। उसकी वेदना हमने अपनी सगी आंखों से देखी है, आंसू आ जाते हैं उस मुर्गी के कि मेरा बेटा, मेरा लाल, कौन पापी उबाल करके खाने के लिए ले गया? ये बद्दुआएं देते हैं बंधु। कौन है जिनके गर्भपात हो जाते हैं? कौन है जिनके जन्म लेते ही बच्चे मर जाते हैं? कौन है जो बांझ बन करके घूम रही हैं? ये बंधु वही पापने हैं जिन्होंने दूसरों के जीवन को विनाश करके अपने रूप को सजाने का प्रयास किया है। ये उन्हीं को बद्दुआएं मिलेंगी, ये सड़ सड़ के मरेंगे, क्योंकि दुखिया हाय गरीब की कभी ना खाली जाए। गरीब की बद्दुआ बंधु अच्छे अच्छे दुनिया की ताकत नहीं उतार सकती, उसकी वर्गणाएं हमारे अंदर अंदर भेद देंगी, हमारी जिंदगी को विनाश कर देंगी। दुखिया हाय गरीब की, उस गरीब का कौन सुनेगा? वो तो बद्दुआ ही देगी। और जब ये पाप फूटेगा बंधुओं, जब तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई रखने वाला नहीं होगा, कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा, कोई किसी का नहीं है, सब झूठा संसार है, किसे तुम अपना मान रहे हो? अभी थोड़ा परिवार में बोल चाल अच्छा लग रहा है, अभी सब अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा अगर एक का दिमाग भड़क जाए, थोड़ा सा दिमाग में परिवर्तन आ जाए, अभी घर में कलह चालू हो जाए।